अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जहां कई सरकारी संस्थानों के अधिकारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक टेकचंद सावरकर को भी बुलाया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन नागपुर जिले के कामठी तहसील के शासकीय विभाग में किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक में मौदा विधानसभा के बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर को बैठने की जगह मंच पर नहीं दी गई और उन्हें मंच के किनारे बिठा दिया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी के साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को भी मंच पर जगह दी गई। इसी बात से नाराज होकर बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर मंच पर कुछ बोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री सुनील केदार और उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें बोलने से रोक दिया और कहा कि आपको बोलने का ढंग नहीं है। ऐसा आरोप लगाते हुए टेकचंद सावरकर ने इस समीक्षा बैठक का बहिष्कार कर दिया और बैठक छोड़कर वे बाहर निकल आए। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनका अपमान किया गया वो उनके बर्दाश्त से बाहर है। महाविकास अघाड़ी सरकार में बतौर मंत्री सुनील केदार से जब इस मामले में पूछा गया तो कैमरे के सामने बिना कुछ बोले ही वे निकल गए, लेकिन इस पूरे घटना को लेकर पूरे सभागृह में जमकर हंगामा हुआ। अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस अपमान का कड़ा विरोध कर रही है। आज कामठी तालुक्याची सर्व विभागाची आढावा बैठक माननीय मंत्री सुनीलजी केदार यांनी ठेवली होती। खरं म्हणजे ही पालकतंत्राने बैठक घ्यायला पाहिजे होती, परंतु आमदाराला निमंत्रण होता, पण त्या ठिकाणी आसन व्यवस्था आमदारासाठी ठेवलेली नव्हती। माजी जिल्हा परिषद मेंबर, माजी पदाधिकारी ते जवळ बसले होते, पण आमदाराला सर्वात शेवटच्या रांगेमध्ये बसवण्यात आला। मी आल्याबरोबर स्वागत तर केलं नाही, आम्हाला त्याची काही चिंता नाही आहे, पण जेव्हा मी त्या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयांना म्हटलं की मला काही बोलायचं आहे, तेव्हा मंत्री महोदय म्हणतात की तुला बोलता येणार नाही। मग जर मला बोलता येणार नाही, 1,25,000 लोकांनी मला व्होटिंग केलेलं आहे, 1,25,000 लोकांनी मला निवडून दिलं आहे, मग अशा परिस्थितीत 5,00,000 लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारा आमदार जर हे मंत्री बोलू देत नसतील तर अशा प्रकारच्या मंत्र्याचा मी निषेध करतो। मी त्या मंत्र्याचा खऱ्या अर्थाने निषेध करतो। आमच्या जीवनात 30 वर्षाच्या पासून अशा प्रकारची घटना कोणत्याही मंत्र्याने या महाराष्ट्र राज्यात केली नसेल। तुम्ही आसन व्यवस्था बघा, आणि जेव्हा जर कोणी आमचा तोंड दाबत असेल तर आम्ही त्या मीटिंगला बसायचं कसं। त्या ठिकाणी काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते माजी पदाधिकारी स्टेजवर बसले आहेत, आणि जे जिल्हा परिषदचे सन्माननीय सदस्य ते खाली बसले आहेत। हे मला वाटतं काँग्रेस कमिटीची बैठक आहे, या काँग्रेस कमिटीनं पुऱ्या राज्याचा सत्यानाश केला, या जिल्ह्याचा सत्यानाश केला। हे बंदुकीच्या लोकांवर राज चालवण्याची भूमिका यांची आहे। सारे कार्यकर्ते माझी जे जबाबदारी आहे ते मी पूर्ण करणार आहे। मी या ठिकाणी ज्यांनी हे बैठक अरेंज केली